शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किसके आगे माथा रख लूं? जेल में कैदियों की हजामत करना। अर्जुन पैदा ही हुआ था शेर का जिगर लेकर। वक्त आने पर वो अपनी बीवी की रक्षा भी कर पाएगा या नहीं? अमो, कहाँ जा रही हो? मंदिर। आओ गाड़ी में बैठो। हम आओ बैठो। भूत कैप्चरिंग के बारे में सुना था तुम्हें, माँ दुर्गा और चंडी का रूप देखा तो खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, मंदिर में क्या मांगने जा रही? तुम्हारी लंबी उम्र, तुम्हारे सपने और तुम्हें। नीचे उतरो। मैंने कहा ना नीचे उतरो। तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? तो जाओ उस कुत्ते के मुंह पर कस के थप्पड़ मारो। भाई कितने पैसे हुए तेरे? मैं जानता हूं ये रस्मों रिवाज से हटके है, और मैं मानता हूं कि जिंदगी के सौदे दिलों के सौदे। देखो भगवान भी इस बात की साक्षी दे रहा है। सत्यलाल, मैं तुम्हारी वजह से इलेक्शन हारा हूं। खैर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर बन के बहुत पैसा कमाया है मैंने, जिंदगी भर ऐश करूंगा। लेकिन अब तुम्हारा साथ देने वाला मिनिस्ट्री में कोई नहीं रहा। अगर कानून की चपेट में आ गए ना, तो जिंदगी भर अपने भाई और बेटों के साथ जेल में कैदियों की हजामत करना, और अगर बच गए तो सड़क पर चने बेचना। सही फरमाया आपने, मेरी ये वर्दी भी चंद दिन की मेहमान है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी जनता की सेवा करने के बजाय मैंने खुद की सेवा की है। मेरे रिश्वत बैंक में इतनी दौलत जमा हो गई है कि मेरी सात पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। चुप चुप। मैंने कहा था तुम लोगों से कि अपना ईमान बेचकर कुर्सी पर बैठो, बल्कि तुम लोगों की वजह से मेरे जान से प्यारे दोनों बेटे मुझसे दूर हो गए।
अब मैं किसके आगे माथा रख लूं, कहां सर झुकाऊं? भैया रतन, क्या हो गया ये? किसने किया ये? भैया उस रामजादे एसीपी अर्जुन ने मेरा हाथ काट दिया भैया। ये तो अनहोनी हो गई। दूसरों के हाथ पैर काटने वाले सत्या के भाई का हाथ काट दिया, भैया बना दिया। दूसरों को मौत के घाट उतारने वाले सत्या के बेटे तड़ी पर अर्जुन। सत्या, इन कुत्तों को भेजा था पुलिस को मारने के लिए। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब तक मैं खामोश हूं ये शहर शहर है। जिस दिन मैंने खामोशी तोड़ी पूरे शहर को मलबे का ढेर बना दूंगा। चल अच्छा बच्चा बन, छोड़ दे इन्हें। चल चल छोड़ दे इन्हें, छोड़ दो उन्हें। शाबाश। फायर! देख लिया पुलिस वालों से पंगा लेने का अंजाम? देख लिया। जब तक आग से हाथ नहीं जलता बच्चे आग को खिलौना समझते हैं। तेरी अभी तक आग से मुलाकात नहीं हुई इसीलिए तू अपने आप को आग से। इसे कहते आग। ये छोटी सी चिंगारी से डर गया तो मुझ जैसे ज्वालामुखी से कैसे मुकाबला करे? अर्जुन, पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। चल हाँ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हो जाए। 5 लाख रुपए बाद में बात करूंगा। ये किस लिए भाई? हमारा नाम पुलिस की हिट लिस्ट से निकाल दीजिए। आपको हर महीने ऐसा ही एक ब्रीफकेस मिलता रहेगा। हा? अरे हाथ मिला भाई। अरे मुझे नहीं मालूम था तुम लोगों से हाथ मिलाने से इतना फायदा। अभी तुम लोग जिसको चाहो लूटो, जिसको चाहो मारो, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। जाओ 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 जाओ, ऐश करो भाई। मिस्टर कदम। यस सर। इधर आइए, ये पैसे सरकारी खाते में जमा कर दो। लेकिन सर। अरे काहे का लेकिन भाई, इन्हें मानने के लिए जनता का नुकसान मत किया करो। जनता का नुकसान? अरे इन्हें मानने के लिए 2 गोलियां चलेंगी और ये 2 गोलियां बनाने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। जी सर। और सरकार को जनता खून पसीने की कमाई टैक्स के जरिए देती है। राइट सर। तो इन्हें मानने के लिए जनता का नुकसान क्यों करे? अरे इन्हीं के पैसे से गोलियां बनाओ और इन्हीं पे ठोक दो, ले जाओ। वेरी राइट सर। नमस्ते साहब। वो लफड़ा है क्या? मेरे ऊपर वाले मान नहीं रहे, वो तो सीधी सीधी बात कर रहा है। 1 का 5 2 का 10, 1 का 5 2 का 10, नहीं समझा?
मेरे ऊपर 25 मर्डर केसेस है, इसके पास 27 मर्डर केसेस है, 5 लाख में एक बच सकता है तो नहीं। एक काम कर, या तो और 5 लाख मुझे ला कर दे, नहीं तो जो 5 लाख तुमने मुझे दिया है मैं वापस कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप फिर ये मिलाता हूँ। मान नहीं रहे ऊपर वाले, एक का 5 दो का 10, अब सब धंधा हो चुका यार। अब तुम दोनों भागो। अरे पब्लिक देख रही है, पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि पुलिस काम कर रही है। हाँ, मैं गोली चलाता हूँ। गोली? अरे लगेगी नहीं भाई, 10 लाख रुपया दिया है, गोली ऐसी लग जाएगी, मैं हवा में चलाऊंगा। ये क्या है, इस किस्म की सुर्खियां आप मेरे खिलाफ अखबार में छाप कर क्या साबित करना चाहते हैं? यस प्लीज, जवाब दीजिए। सर, यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एसीपी अर्जुन को आप इतनी छूट देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाई को गुंडों ने कत्ल कर दिया था, इसलिए आपने गुंडों को खत्म करने के लिए अर्जुन को खुला छोड़ दिया है? आपके ऑपरेशन को क्या हम पर्सनल वेंडेटा समझे? क्या आपको ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपोजिशन और कुर्सी दोनों को नजरअंदाज कर रहे हैं? कौन सी अपोजिशन, कौन सी कुर्सी? जुर्म को हटाना पाप है, गरीब जनता की मदद करना गलत है, आप लोग किसके नुमाइंदे बनकर आए हैं? गुंडों या अपोजिशन की वकालत करने आए हैं या गरीबों की वकालत करने आए हैं? किसकी तरफ से आए आप लोग? सिर्फ अखबार में सुर्खियां छापना आपका काम है, और अखबार पढ़ने वालों की तकलीफें क्या है वो देखना आपका काम नहीं है? ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं आप लोग, पर्सनल वेंडेटा की बात करते हैं आप। गुंडों को खत्म करना पर्सनल वेंडेटा नहीं है, ये रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, जहाद है, क्रांति है, ऐलान जंग है उन लोगों के खिलाफ जो समाज में रहकर समाज की पीठ में छुरा भोंकते हैं। आज तक अनगिनत शरीफों और मासूमों का खून बहता रहा, आपने कभी पिछली सरकार से इसके बारे में पूछा, कभी सवाल उठाया? और जब हमने खूनियों को और कातिलों को पकड़ना शुरू किया, दबोचना शुरू किया, तो आपने हंगामा खड़ा कर दिया, इश्यू बना दिया उसका। मैं पैसे कमाने के खातिर कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, देश का प्रेम और हुब्बे वतन मुझे यहां खींच कर लाया है, और यह भी वादा करता हूं कि अगर किसी कराती आवाज ने किसी दिन मुझसे कहा कि गुलाम कलीम आजाद तुम गलत हो, उस दिन मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा, कान पकड़कर घुटने टेक कर आप सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मगर मेरे दोस्तों, एक राय आपको भी देनी है। सुबह जब आंख खुलती है तो नजरों के सामने सबसे पहले अखबार होता है, खुदा के लिए इसमें झूठ मत छापा कीजिए, हाथ में कलम आ जाए तो कलम का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये 4 इंच की कलम 4 फुट के तलवार को काट कर उसके टुकड़े कर सकती है। कलम का सही इस्तेमाल कीजिए, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। चौधरी साहब, बात बर्दाश्त से पार हो गई है। उस रामचंद्र ने मेरे दोनों भतीजों को तनी पार कर दिया, मेरा हाथ काट दिया, भाई साहब को जेल के अंदर भेज दिया। अगर उस रामचंद्र कुत्ते अर्जुन को अगर आप भी खत्म नहीं किया तो चले होगा। नहीं, अर्जुन को मारने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद मर जाएगा। हमें सबसे पहले उस आदमी को खत्म करना है जिसने इस अर्जुन को महाभारत का अर्जुन बनाया है, गुलाम कलीम आजाद।
नमस्ते 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 सर, हम लोगों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया सर। नमस्ते सर। ये क्या हो गया सर, ये सब क्या हो गया? वही जो जंग में अक्सर सिपाहियों के साथ होता है। मगर तुम्हें एक बात याद रखना, एक सिपाही की मौत से जंगें बंद नहीं हुआ करती, जंगें हारने और जीतने के बाद बंद होती है। अर्जुन, ये जंग हम दोनों ने साथ में शुरू की थी और जब तक इस जंग को जीत ना लेना, अपने बदन से इस वर्दी को उतारना मत, क्योंकि जंग सिपाही जीतते हैं और तुम उस वक्त तक सिपाही हो जब तक तुम्हारे जिस्म पे ये वर्दी है। अच्छा दोस्त, चलता हूं, खुदा हाफिज। जय 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 हिंद। गुलाम कलीम आजाद की रूह को जन्नत बख्शना। वैसे तो किसी के रहने या नहीं रहने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी मौत से तुम जरूर अनाथ हो गए हो। इसने तुम्हें इतनी ताकत दे दी थी कि तुम इंसान से रॉबर्ट बन गए थे। लाल चौधरी, अर्जुन किसी की ताकत से रोबट नहीं बना। अर्जुन पैदा ही हुआ था शेर का जिगर लेकर। ये भी मेरी तरह मर्द थे, इसीलिए मुझे समझते थे। इनके मरने से अर्जुन टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है। अर्जुन, इंसान भले कितना मजबूत क्यों ना हो, जब तोड़ने वाले अपनी जात पर उतर आते हैं ना, इतना तोड़ते हैं कि फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा मौका है तुम्हारे पास, आजाद की लाश के साथ साथ अपनी मर्दानगी को भी दफना दो। मिलजुल कर रहोगे तो प्रमोशन का भी मजा लूटोगे।
एक भी गोली बर्बाद नहीं करना। जो काम चीफ मिनिस्टर गुलाम कलीम आजाद अधूरा छोड़ गए हैं, उसे पूरा करने के लिए हमें बहुत सी गोलियों की जरूरत पड़ेगी। शेर तो शहीद हो गया, मगर कुत्तों को हलाल करना अभी बाकी है। पिंडा, एक बात कहूँ? कहो। मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? अरे तो जल्दी करो यार, मेरे थिएटर बढ़ गए हैं, मजदूर बढ़ गए हैं और मेरे काम में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने बच्चे को ब्लैक मार्केटर कभी नहीं बनने दूंगी। मेरा बच्चा है, चाहे उसको मैं ब्लैक मार्केटर बनाऊं या व्हाइट मार्केटर, उसमें तुझको क्या है रे? तू अपना काम कर रे। आने में जरा देर हो गई, टायर पंचर हो गया था। साइकिल वाले अक्सर देर से ही पहुंचते हैं। भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं एक भाई से बात कर रहा हूँ ना, पुलिस अफसर से। जब एक भाई बोलेगा भाई सुनेगा, जब एक ब्लैक मार्केटर बोलेगा पुलिस वाला सुनेगा। ए शाने, याद है तुझे, इसी गटर से हमारा बचपन शुरू हुआ है, हमारी जिंदगी यहां से शुरू हुई है। कहां है तू आज? आज तू कहां है? कहां मैं हूं? क्या तेरे पास? दो जोड़ी वर्दी, पुलिस क्वार्टर्स, 2400 रुपए की नौकरी और ये पंचर साइकिल। देख मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, दुनिया भर के थिएटर हैं और ब्लैक मार्केटर वर्कर्स है मेरे पास। क्या है तेरे पास? मेरे पास माँ है। माँ? मम्मी? मदर? अम्मा? हट, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरा मुंह मत खुलवा एड़े, भूल गया सौतेली माँ है? आज मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 2 मिनट में माँ को उठवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाप का इंतजार करूंगा। एक बार बाप मुझे मिल जाए ना तो माओ की लाइन लगा दूंगा मैं। इतना गुरूर अच्छा नहीं भाई, एक दिन तुम पछताओगे। चले चल चल चल, मुंह बंद कर, बकबक मत कर। ये जो मुंह है ना, फूक मारने के लिए काम आएगा। फूक मार ले, हवा भर ले और निकल ले यहां से। बात करता है, मांडोली करने आया था, कभी दोबारा मिलना नहीं अकेला। नमस्ते। नमस्ते चौबे साहब। गुलाम कलीम आजाद को सपोर्ट करके आप लोगों को क्या मिला? ना उसने खुद खाया, ना आप लोगों को खाने दिया। 3 सीटें हैं आप लोगों के पास और मुझे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 3 सीटों की ही जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपया दूंगा, बाकी जिस दिन चीफ मिनिस्टर की शपथ लूंगा 10 लाख और दूंगा। चौधरी साहब, 1 करोड़ रुपये बहुत कम है, मैं 3 सीटों के 2 करोड़ रुपए लूंगा। क्या 1 करोड़ कम होता है? गिनते गिनते जन्म बीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें मिनिस्ट्री में पोस्ट चाहिए। कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, मैं तुम लोगों को 5 साल के लिए खरीद रहा हूं और अगर बीच में सरकार गिराने की कोशिश की तो तुम लोग खुद गिर जाओगे, समझ लेना। देखो सत्यलाल, बड़ी मुश्किल से सीटें खरीद कर मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं। इस वक्त अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो मेरी मिनिस्ट्री बर्खास्त हो सकती है। उधर आजाद मर्डर के सिलसिले में दिल्ली से इंक्वायरी कमीशन यहां आ चुका है। अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं रहा, पब्लिक का हीरो बन चुका है। हम उसे ऐसा मेंटल टॉर्चर देंगे, उसके जमीर को खत्म करेंगे, जिसे एक दिन वो खुद ब खुद मर जाएगा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा सत्यलाल।
वक्त का इंतजार करो। हाँ भैया, चौधरी साहब ठीक ही कह रहे हैं, घर चलो। आओ। हेलो एसपी साहब, आप गुलाम कलीम आजाद के हत्यारे के बारे में जानना चाहेंगे? कौन है आप? आवश्यक लगता है कि मैं औरत बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? हमारे देश की औरत अभी इस हद तक नहीं गिरी है कि वो मर्दों को बुलवाकर अपनी इज्जत लुटवाए। सर आप इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस के अन्याय को पुलिस के इंसाफ करेगी, मैं तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस करूंगी। सर ये अर्जुन, ये वर्दी पहनकर जो तुमने गिरी हुई हरकत की है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। सर ये देखिए सर, याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मिनिस्टर साहब दोबारा पावर में आ गए, तुम्हें उस दिन पर बहुत अफसोस होगा जिस दिन तुमने उनसे बदतमीजी की थी। तुम पर जनता की तरफ से ह्यूमन राइट्स एक्ट का मुकदमा चलाया जा रहा है और जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता, तुम सिर्फ ऑनलाइन ड्यूटी पर हो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी पावर या इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारा ये जो सर्विस रिवॉल्वर है ना, ये डिपार्टमेंट को सौंप दो और इन्हें छोड़ दो। सर थैंक यू सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, नमस्ते सर। चलना ले पप्पू देना है, क्या है रानी देव रानी मेरे को चलना। अरे जल्दी से पत्ते समेट लो, एसीपी अर्जुन आ गया, चलो चलो तो भागो। अरे तो ड्यूटी पे है तो क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता, चल। नमस्कार। आइए आइए। ओ अयाल, सिक्योरिटी में तूने बड़ा ईमानदार आदमी रखा है, ये बहुत अच्छा किया। चल भाई चेक कर हमें, चल चेक कर हमें, चल चल। हमने जूते में भी हथियार छुपा रखा है, हो सकता है छुपाया हो। डाउन डाउन चेक कर, जूता जूता चेक कर, चल चल देख। ऑन मैन गो डाउन।
इन्हीं हाथों से तूने मेरे भाई का हाथ तोड़ा था, याद है ना? अब तेरे ये हाथ जिंदगी भर मेरे जूतों पे रहेंगे। भैया, इस कमीने ने तो सिर्फ मेरा एक हाथ तोड़ा है, अगर आप कहें तो इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दूं। हाथ तोड़ दोगे तो ये बेचारा वर्दी कैसे पहनेगा? फिर तो ये लूला लंगड़ा अपाहज किसी चिड़ियाघर का चौकीदार बनने के लायक भी नहीं रहेगा। देख लिया अर्जुन, थप्पड़ मारने का नतीजा? अरे अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे इतने थप्पड़ लगवाऊं कि तुम्हारा दम निकल जाए, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी जमीर और आत्मा को इतना जलील करना चाहता हूं, इतना जलील करना चाहता हूं कि तुम खुद ब खुद मर जाओ। नहीं अर्जुन, इस वक्त तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस चल रहा है। यहां अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तू हम भाइयों के पीछे कुत्ते की तरह लगा हुआ था ना? ले, आज हम तेरे सामने खड़े हैं, गिरफ्तार नहीं करेगा? कर गिरफ्तार। बेटे, अब इसके दहाड़ने के दिन खत्म हो गए, कुत्ता बन गया है ये। अब ये हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं, बल्कि हम इसके गले में पट्टा डालेंगे, है ना टॉमी? ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी होगी ना दास्तानों में। हेलो मिस्टर अर्जुन, ओह आई एम सॉरी मिस्टर मर्द, हाँ, क्योंकि आप जैसे मर्दों ने इस देश की जनता की रखवाली का ठेका लेके रखा है। जिस तरह लोग रोजी रोटी कमाने के लिए भगवान के आगे माथा टेकते हैं ना, उसी तरह आपको अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट नेताओं के तलवे चाटने पड़ेंगे, क्योंकि आप मर्द हैं। आप जानते हैं मिस्टर मर्द, आपके पास एक रिवॉल्वर भी है जिसमें 6 गोलियां हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं, लेकिन गलती से उसे चलाना नहीं, आप चलाएंगे तो उनका हिसाब देना पड़ेगा। 10 साल काय का मर्द है तू? हा, तू साला गुलाम है, गुलाम। लेकिन इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, आप जैसे मर्दों के लिए मेरे पास एक दवाई है, इसे पीजिए और हमेशा के लिए अपनी मर्दानगी को मौत की नींद सुला दीजिए। कम ऑन मिस्टर मर्द, एंजॉय योर सेल्फ। वाह, ये वही मर्द है जो जुल्म और सितम पर आंधी बनकर बरसना चाहता था, जो भ्रष्टाचारी और करप्ट गवर्नमेंट को अकेला मिटाने की ताकत रखता था, जो हवा का रुख बदलना चाहता था, जिसकी मर्दानगी पर फिदा होकर मैंने अपना तन और मन उसे सौंप दिया। बड़े अफसोस की बात है, आज उसी मर्द ने अपनी मर्दानगी को दारू में बहा दिया और चंद गुंडों और भ्रष्ट नेताओं के आगे उसने अपने घुटने टेक दिए। क्या भरोसा वक्त आने पर वो अपनी बीवी की रक्षा भी कर पाएगा या नहीं? तुम अब मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहे।
तुम आज खुश तो बहुत होंगे जो आज तक तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं उतरा, वो आज तेरे सामने थ्री पीस सूट में खड़ा है। बोल, खुश है कि नाराज है? अरे बोल, बोलता क्यों नहीं? बोलना, बस करो। जब से दीवार फिल्म बनी ये डायलॉग सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मुझे माफ करो, अब मैं कुछ मनोरंजन चाहता हूं। प्रभु, प्रभु। अरे तुम तो वही टिकट ब्लैक मार्केटियर बिंदास हो। क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा? क्या मुझे इश्क फिल्म का एक टिकट मिलेगा? वो चक्र कहाँ है? घूम गया होगा। टिकट है ना, सब आपके लिए। एक टिकट प्लीज। और लीजिए ना, मीरा जी को, राधा जी को, सारी गोपियों को बुला के सत्संग साथ में बैठ के देखिए ना। इश्क 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 लीजिए। प्रभु, प्रभु, खुश रहो। कृष्ण लोवा लोवा, तेरी आंखों का जादू, दर्शन तेरे हो गए कृष्णा कृष्णा, दर्शन तेरे हो गए कृष्णा कृष्णा। काश इस वक्त माँ मेरे साथ होती, कितनी खुश होती। माँ, 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 कैसी है तू? माँ, तूने 25 साल 30 साल यहाँ मगजमारी की, भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज मैंने साक्षात कृष्ण भगवान को देख लिया, प्रत्यक्ष भगवान मेरे सामने आए। माँ, आज मैं धन्य हो गया हूँ। काला धंधा, ब्लैक मार्केटिंग सब छोड़ दूंगा। देश की सेवा करूंगा माँ, धरती माँ की सेवा करूंगा। बेटा, हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है, हाँ, तो उसे भूला नहीं कहते। माँ, कितना सड़ा हुआ डायलॉग बोल रही है माँ, फिर भी तू माँ है, तुझे बोर करने का हक है। माँ, वो लूला कहाँ है? अपना दास कहाँ है? माँ, अपुन इधर है भाई। भाई, अपुन ने आपकी बात मान ली क्या, और पुलिस की नौकरी छोड़ के ब्लैक मार्केट का धंधा शुरू कर दिया है। 10 का 50 करने में बहुत मजा आ रहा है। अपुन जा रहा है, शो का टाइम हो रहा है। बाय, सी यू। हे भगवान, मेरी जिंदगी में से ये दीवार की कहानी कब खत्म होगी? खत्म हो जाएगी माँ, ये दीवार यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं 2 बार कपड़े का इंतजाम करता हूँ, इस दीवार को यहीं पे गिरा देता हूँ। माँ जा, मैं भी निकल रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जज साहब, कानून के कटहरे में खड़ा ये सनकी और सरफिरा पुलिस ऑफिसर अर्जुन खन्ना है। अर्जुन खन्ना, इस पुलिस ऑफिसर की ये खूबी है जज साहब कि इसने आज तक कोई भी काम कानून के दायरे में नहीं किया, जिसे जब चाहा जहां चाहा गिरफ्तार कर लिया इसने, भले ही वो पूजा करने के लिए जा रहा हो या फिर इबादत करने के लिए। जिसे भी भागते हुए देखा जज साहब, इसने उसे इनकाउंटर करके मार दिया, भले ही वो बस पकड़ने के लिए जा रहा हो या फिर ट्रेन पकड़ने के लिए। इतना ही नहीं जज साहब, इसने एक महिला की इज्जत भी लूटी है। मिलॉर्ड, ऐसे तमाम आरोपों का हवाला देकर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने इस पर एक मुकदमा किया है। मेरी इस अदालत से दरखास्त है जज साहब कि एसोसिएशन के आरोपों को और चार्जशीट को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला पहली नजर में किया जाए, क्योंकि मिलॉर्ड, ऐसे केस में तारीखों का बढ़ाना अदालत के वक्त की बर्बादी होगी। मिस्टर अर्जुन खन्ना, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहो। जज साहब, मैं पेशे से वेश्या हूँ, मगर आज के दौर में जहाँ भाई बहन की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, इस मर्द ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझ जैसी वेश्या की इज्जत बचाने के लिए
सर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे झूठे वकीलों की दलीलों को नजरअंदाज करें। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जिसके छूने से पवित्र ग्रंथ भी नापाक हो जाते हैं जज साहब, क्या ऐसी वेश्या की गवाही अदालत मानेगी? वेश्या कोई आसमान से पैदा नहीं होती, इसी समाज के गंदे लोगों के खून से पैदा होती है। वो आपकी माँ, बहन और बेटी भी हो सकती है। Shut up! You shut up! And don't force me to open my mouth. Otherwise, everybody sitting here will know the color of your underwear and the mark on your thighs. I strongly object, Your Honor. Objection sustained. आपको जो कुछ भी कहना है कानून के दायरे में रहकर कहो। जज साहब, मैं इतना ही कहूंगी, ऐसा कोई फैसला नहीं कीजिएगा जिससे कानून को शर्मिंदा होना पड़े। जज साहब, जिस सिपाही पर दूसरे की इज्जत लूटने का आरोप लगा है उसी ने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। सच्चे सिपाहियों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। मगर साहब, उस माँ के लिए गर्व की बात है जिसकी कोख से ऐसे बेटे ने जन्म लिया हो। जज साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी फैसला करने से पहले इस माँ की आंखों के आंसू और दिल की सच्चाई को जरूर देखना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये दिल, आंसू और जज्बात, अदालत इन सब पर भरोसा नहीं करती। जज साहब, अदालत को सबूत चाहिए, सबूत। सबूत मैं हूँ जज साहब। जज साहब, ये झूठे के अर्जुन साहब ने मेरी इज्जत लूटी। अर्जुन साहब को फंसाने के लिए डीआईजी साहब ने मुझ पर दबाव डाला था। मैंने डर के मारे ये सब किया था। अर्जुन साहब एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर है, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए जज साहब। तमाम गवाहों के बयानात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलीलें और अदालत की अपनी जांच पड़तालों से ये बात सामने आती है कि एसीपी अर्जुन खन्ना ने जो कुछ भी किया वो सब कानून के दायरे में किया। इसीलिए तमाम इल्जामात वापस लेते हुए अदालत एसीपी अर्जुन को बाइज्जत रिहा करती है और पुलिस डिपार्टमेंट को यह हिदायत देती है कि एसीपी अर्जुन को वो सारे इख्तियारात वापस किए जाएं और डीआईजी पर इंक्वायरी बिठाई जाए। द कोर्ट इज अर्जन। हेलो सर, अभी अभी मैंने सत्या की बेटों को वो बोला गोडाउन की तरफ जाते हुए देखा है।
अर्जुन, जीते रहो बेटे। बेटे, मैंने तुम्हारी 22वीं रिहाई के वास्ते बाबा से मन्नत मांगी थी कि तुम अपने हाथों से उनकी मजार पर चद्दर चढ़ाओगे। चढ़ाओगे ना? जरूर मां जी। जीते रहो बेटा, चल। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अशहदु अन ला इलाहा डॉक्टर साहब,
हम तो समझते थे कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन जनता की दुआओं से उसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। अगर उसकी सांसें यूं ही चलती रही ना, तो हम सबकी सांसें बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ करो जी। उसकी सांसें बंद करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। वो दवाई तो दे दी थी भाभी जी, अर्जुन की जान को खतरा है। हाँ, लेकिन 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 बाद में, सबसे पहले आप अर्जुन को यहां से निकालने की कोशिश कीजिए। हम लोग बाहर खड़े हैं। हाँ, जल्दी आप यहां से आगे नहीं जा सकते। नहीं, सुरक्षा का चक्रव्यूह तोड़कर तुझ तक पहुंच गया। अब तेरी राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति, कोई भी तुझे बचा नहीं सकता। तुम जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो, मैं तुम्हें कमीशन बना दूंगा। मैं प्रमोशन नहीं, तेरे खून का इल्जाम अपने सर लेना। तेरे दिए हुए प्रमोशन से तो अच्छा है तुझे मारकर फांसी पे चढ़ जाऊंगा। मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तू सारी जनता को मार डालेगा। नहीं, तुम्हें तो नहीं करूंगी।
जिंदा नहीं बचेगा आप, खत्म कर दो इसको। Thank you.
भाई का चप्पार। जय हिंद।